आम का ये डेजर्ट इतना टेस्टी लगता है कि अगर आपने इसे एक बार बनाया तो श्योरली आप इसे बार बार बनाएंगे। और बनाना भी इतना इजी कि बच्चे भी इसे बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अर्चना डिवाइन डिलीशियस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आम का सीजन है तो चलिए बनाते हैं कुछ नया। रेसिपी एकदम यूनिक है तो ज़रूर से ट्राई करें। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए मैंने 10 से 12 मैरी बिस्किट लिए हैं। घर में पुराने पड़े हुए बिस्किट के टुकड़े जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता, आप उन्हें भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए क्योंकि हम डेजर्ट बना रहे हैं तो नमकीन बिस्किट में बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अब मैं इसको हाथों से क्रश कर रही हूँ। अब मिक्सी में इसको घुमा के एक बार इसका चूरा कर लेंगे और बारीक पीसने के बाद इसको एक बोल के अंदर हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 छोटे चम्मच मेल्टेड बटर। आप इसकी जगह देशी घी भी यूज़ कर सकते हैं तो बटर ऐड करने से थोड़ा सा बाइंडिंग इसमें इजी रहेगी। तब तो इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको बटर कम लग रहा है तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून इसमें और ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून ग्राउंडेड शुगर। तो इसमें पिसी हुई चीनी ही डालें। अब इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। बस अब ये रेडी हो गया है तो इसको उठाकर हम रख देंगे साइड में। अब मैंने यहाँ पे लिए व्हिप्ड क्रीम, तो मैं इसको थोड़ा सा व्हिप कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई सी भी क्रीम या आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब ये रेडी है। अब मैंने 2 मीडियम साइज के मैंगो लिए हैं तो इनको कट करके इनकी स्लाइसेस करके हमें प्यूरी बनानी है। तो आम पहले से ही काफ़ी मीठा है तो इसकी प्यूरी बनाते समय मैं इसके अंदर अलग से शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी शुगर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब सब कुछ रेडी है तो चलिए फटाफट पुडिंग सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 ग्लासेस लिए हैं। सबसे नीचे मैं लगाऊंगी बिस्किट की लेयर, तो 1-1 टेबल स्पून इसके बॉटम में हम सबसे पहले बिस्किट की लेयर लगाएंगे। बिस्किट का चूरा डालने के बाद में ग्लासेस को थोड़ा सा डांस करा देंगे जिससे जो बिस्किट है वो इसके अंदर नीचे सेट हो जाए। अब सेकेंड लेयर मैंगो प्यूरी की लगा देंगे। तो मैं 2 छोटे चम्मच हर ग्लास में ऐड कर रही हूँ। प्यूरी डालते समय ध्यान रखिए कि ये जो चूरा है इसके नीचे ना जाए क्योंकि लेयर दिखने में भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। गर्मियों के लिए बहुत ही इजी पुडिंग है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बच्चों को तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए चारों लेयर इसमें मैंगो प्यूरी की हो गई है। एक बार इसको भी हल्का सा चम्मच से हम सेट कर लेंगे। अब हर गिलास के अंदर हम 2 टीस्पून क्रीम की लेयर लगा के इसे भी अच्छे से सेट कर देंगे। मैं इससे पहले भी आपके साथ एक पुडिंग की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसे मैंने लेफ्ट ओवर बिस्किट से बनाया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहाँ प्लेलिस्ट से जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। वैसे जब आप ये पुडिंग बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा बल्कि इसमें आपको मज़ा आने लगेगा। क्रीम के लेयर लगाने के बाद अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे। तो बचे हुए बिस्किट का जो भी चूरा बचा है उससे हम अगेन इसकी सारी लेयर लगा देंगे। बिस्किट की लेयर लगाने के बाद ग्लासेस को थोड़ा सा हिला लेंगे जिससे ये ऑटोमेटिक सेट हो जाए। और अभी तो ये आधा सेट हुआ है लेकिन दिखने में ये कितना सुंदर लग रहा है। अब अगेन हम इसके ऊपर मैंगो प्यूरी डालेंगे। इसे भी अच्छे से सेट करने के बाद में हम लास्ट लेयर लगाएंगे बची हुई क्रीम से। क्रीम की लेयर लगाते समय इसको चम्मच से प्रेस नहीं करना है बल्कि एक क्राउन सा बनाना है, जैसा हम आइसक्रीम कोन में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऊपर से हम इसको डेकोरेट कर देंगे मैंगो की स्लाइसेस से। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कैसे भी मैंगो स्लाइसेस डाल सकते हैं। आप इसको चेरी से भी सजा सकते हैं। तो अब ये जाएगा फ्रिज के अंदर। 5 से 6 घंटे तक मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख रही हूँ क्योंकि डेजर्ट है तो ठंडा ही अच्छा लगेगा।
दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि इसको खराब किया जाए, लेकिन भाई टेस्ट करना तो बनता है। वाओ, बहुत ही टेस्टी बना है, बना के देखिए, जरूर से पसंद आएगा। तो भाई देर किस बात की, बनाइए खाइए और सबको खिलाइए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।